हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया बढ़िया है ना? हाँ, तो हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसका सेकंड पार्ट लेके आपके सामने आ गए हैं। फर्स्ट पार्ट में बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे थ्री सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर्स, आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे वो एक दूसरे से हेल्पफुल है। ठीक है, तो तीनों सेक्टर्स को आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। आज हमारा जो पार्ट है उसमें हम बताएंगे कि कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, इस पार्ट को लेके मैं आपके सामने आई हूँ। तो बच्चों, सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी एक्टिविटीज होती हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, गुड्स को चाहे प्रोड्यूस किया जाए या सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स में आती हैं। ये आपको क्लियर हो चुका है। अब ये जो भी एक्टिविटीज हैं, इन सारी एक्टिविटीज का जो कनेक्शन है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्राइमरी सेक्टर्स की जो प्रोडक्शन होता है उसका यूज कहाँ हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में हो रहा है, और टर्सरी सेक्टर्स में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि सारी एक्टिविटीज जितनी भी है वो तीनों सेक्टर्स में हो रही है। अब हम इस चीज को कैसे करा जाए कि कौन सी एक्टिविटीज जहाँ हो रही है उससे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब ध्यान देना एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक भी होता है। साथ में आपको ये भी पता है कि जो भी लोग हैं इन तीनों सेक्टर्स में लगे हुए हैं और एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग है, ठीक है, और बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये कि हमें ये देखना कि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही है कौन से सेक्टर्स में कितनी कितनी हो रही है और हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर, ये हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए एक जो प्रॉब्लम आ जाती है वो ये आ जाती है कि कई बार जो डबल काउंटिंग का जो है प्रॉब्लम वो हो सकता है। मींस हमने प्राइमरी सेक्टर में भी उस जो है गुड को हमने काउंट कर लिया और उसे हमने सेकेंडरी सेक्टर में भी जब हम उसको यूज ले रहे हैं तब हम काउंट कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम जो है उसको हम कैसे शॉर्ट आउट करें, ये सब चीजें मैं आपको इसमें क्लियर करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इज इट क्लियर? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ गुड एंड सर्विसेज तीनों सेक्टर में प्रोड्यूस हो रही। ऑल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विस। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है इन तीनों सेक्टर्स में क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर। इसके बाद ये भी देखना होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो कितनी कितनी हो रही है और हर सेक्टर में कितने कितने लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें हमारी इकोनॉमी में ये देखना पड़ता है कि इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर का ज्यादा रोल है कि सेकेंडरी सेक्टर का है कि टर्सरी सेक्टर का है। इस तरह से हमें आपस में उनको कंपेयर करना पड़ता है और इसके साथ साथ हम एक डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी को भी इसी बेस पे कंपेयर कर सकते हैं कि डेवलप कंट्रीज में किस सेक्टर का रोल ज्यादा है और एक डेवलपिंग कंट्रीज में किस सेक्टर का रोल ज्यादा है। इंडिया की हम सिचुएशन में देखें तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जस्ट फ्रीडम के बाद जो हमारा किस सेक्टर का रोल ज्यादा था और आफ्टर जो हमने इतने इयर्स के बाद जो डेवलपमेंट किया है उसके बाद क्या चेंजेस आए, क्या प्राइमरी सेक्टर का रोल में कुछ कमी आई है, सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर के रोल बढ़ा है, तो ये सब कंपेयरिंग करना होता है। ये कंपेयरिंग का पॉसिबल है जब हमें ये पता हो कि हर सेक्टर्स में कितना गुड्स एंड सर्विस जो है प्रोड्यूस हुआ है। इज इट क्लियर?
In an economy, there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. ठीक है, how do we count the various goods and services and know the total production in each sector? अब बात यही आती है कि हम कैसे काउंट करें. अब आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम, जैसे मान लो मैं ये कह दूं यहाँ पे एक तो एक नेल्स, जो आपकी नेल होती है, और कार का एक एग्जांपल ले लेते हैं. वही आपके यहाँ एनसीईआरटी में भी बता रहे हैं कि सपोज करो एक छोटी सी छोटी चीज, सुई से लेके बड़ा सा बड़ा एरोप्लेन तक जो है उसका प्रोडक्शन होता है. ठीक है, अब जो नेल्स है, हम मान लेते हैं कि नेल्स जो है करीब जो नेल्स हैं 1000 kg नेल्स प्रोड्यूस हुई है 1 ईयर में. ठीक है, और ये कहते हैं कि कार जो है वो 500 कार्स जो है उनका प्रोडक्शन हुआ है. तो आप क्या कहोगे? ये कहोगे कि नेल्स का प्रोडक्शन ज्यादा है और कार्स का प्रोडक्शन कम है. तो क्योंकि आप देख रहे हो नंबर्स के अकॉर्डिंग नेल्स तो 1000 kg है और कार्स 500 kg है, तो इसका मतलब जो नेल्स है वो उनका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी एक इकोनॉमी में. ऐसा कह सकते हैं? नहीं ना, ऐसा नहीं. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे गुड्स को इस तरह से कंपेयर नहीं करते, हम यहाँ पे उसकी वैल्यू को कंपेयर करते हैं कि जो नेल्स 1000 kg नेल्स का जो वैल्यू है कितना है और 500 कार्स का वैल्यू कितना है, उस आधार पे हम आपस में कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, हमें नंबर्स को नहीं देखना होता है प्रोडक्शन में, हमें उनकी वैल्यूज को देखना होता है. So many thousands of goods and services produced. You might think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture. It would not make sense. मतलब हम कैसे compare करें? मतलब सब goods एकदम different हैं. कार्स, कंप्यूटर, नेल्स, फर्नीचर, सब चीजें एकदम डिफरेंट हैं, तो उनको हम किस तरह से आपस में कंपेयर करें? मतलब हम उनकी नंबर से यदि कंपेयर करते हैं तो ये तो सही नहीं रहता. कि आप खुद ही देख सकते हो कि नेल्स और कार्स को हम आपस में कंपेयर करें तो क्या 1000 kg नेल्स का प्रोडक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा बजाय कार के? नहीं ना. तो इसलिए हमें क्या देखना पड़ता है, उसकी वैल्यू को देखना होता है. You are right in thinking so. To get around this problem, economists suggest that the values of goods and services should be used rather than adding up the actual number. ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वैल्यूज ऑफ गुड एंड सर्विसेज को ही देखा जाता है, एक्चुअल नंबर्स को हम नहीं एड करते हैं. ठीक है, For example, if 10,000 kg of wheat is sold at ₹8 per kg, यदि 10,000 kg wheat को 8 per kg से यदि बेचा जाता है तो उसकी value कितनी होगी? 80,000. The value of 5,000 coconut at the ₹10 per coconut will be 50,000. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि wheat की 80,000 value है और coconut की 50,000. तो हम उसकी वैल्यू को देख रहे हैं, नंबर्स को नहीं देख रहे. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर आर कैलकुलेटेड एंड देन एडिंग अप. तो इसी तरह से जो भी सर्विसेज एंड गुड्स जो अलग अलग सेक्टर्स में प्रोड्यूस हो रही है, तो उनको हम कैलकुलेट किस आधार पे करते हैं? उनकी वैल्यूज को देखते हैं और फिर हम उसको एड करते हैं, और वो वैल्यू ही आपकी GDP में, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसमें काउंट होती है. GDP क्या है? GDP ही बताएगी कि एक कंट्री की डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितनी है. ठीक है, उसी से हम दूसरे कंट्री की GDP को आपस में कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, रिमेम्बर देयर इज वन प्रिकॉशंस वन हैज टू टेक. नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड. सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है बच्चों,
यही कि हमें यहाँ पे एक सावधानी प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा। क्या कि आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि प्राइमरी सेक्टर्स का जो थिंग है वो सेकेंडरी सेक्टर में यूज होता है, ठीक है। तो आप ये भी देख रहे हो कि उस यदि हमने उसको प्राइमरी सेक्टर में भी काउंट किया है, सेकेंडरी में भी हम काउंट कर रहे हैं, तो डबल काउंटिंग होने के चांसेस रहेंगे। तो ऐसे में हम क्या करें, ठीक है। तो यहाँ एक बहुत ही प्रिकॉशन रखना होगा कि सपोज करो, एक एग्जांपल हम दे देते हैं कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक बहुत बड़ा खेत है, ठीक है, और मेरे यहाँ पे जो वीट हुआ है उसको आपने मेरे से परचेज कर लिया, ठीक है। आपने मुझे जो पैसा दिया उसके बाद आपके जो पेरेंट्स हैं उनके पास बहुत बड़ी उनका जो है फ्लोर मिल है, तो उन्होंने क्या किया उस वीट से फ्लोर उससे बना दिया, ठीक है। उसके बाद कोई बिस्किट कंपनी आपसे फ्लोर ले लेती है और उससे फिर बिस्किट को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो फिर बाद में वहां से होलसेलर आपसे बिस्किट कंपनी से लेकर के उसको कंज्यूमर तक पहुंचाता है। तो ये सारी स्टेज में क्या हो रहा है कि सपोज करो आपने मान लो मुझे 50 रुपीज दी, ठीक है। उसके बाद जो फ्लोर है उस फ्लोर को आपने बिस्किट कंपनी को 80 में बेचा, ठीक है। बिस्किट कंपनी उसको 100 में कर रही, ठीक है, क्लियर हुआ। तो आप यदि उनको पूरे को 100, वो क्या जा रहा है कंज्यूमर उसको 100 में कंज्यूम कर रहा है एट लास्ट। तो क्या हो रहा है, आप इस सभी स्टेज में क्या देख रहे हैं कि मैंने मुझे आपने 50 रुपीज दिए हैं, ठीक है। आपको किसी ने 80 दिए, यदि 50 + 80 में 130 ऐड कर दूं, फिर नेक्स्ट जो राउंड है उसमें 100 रुपीज कंज्यूमर तक गए हैं, तो वो 100 130 मिला के 230 हो गए। तो 230 यदि आप काउंट करते हो तो वो 100 रुपीज की चीज का तो 230 आ गया, क्योंकि तो कितनी बार काउंटिंग हो गई। तो इस तरह से काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा, जीडीपी करेक्ट नहीं आ पाए, क्योंकि डबल ट्रिपल काउंटिंग हो रही है यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे में क्या होता है, ये तो क्या है 50 रुपीज आपने मुझे दिए, 80 आपने आपसे बिस्किट कंपनी ने लिए हैं, तो कितना हुआ, 80 में 50 तो इंक्लूड है ना ऑलरेडी, ठीक है। यानी 30 ही जो आपने इसमें जो है आपका 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ ना, फिर कंपनी 80 से 100 पे पहुंची तो उसका 20 हुआ ना। तो यदि आप 50 30 20 जोड़ेंगे तो 100 हो गया। तो इट मीन्स क्या है कि हमें क्या करना होगा, हमें जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि कंज्यूम करने की स्टेज से पहले की जितनी भी सिचुएशंस में गुड्स जो रहती है वो इंटरमीडिएट गुड्स होती है, उन इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हमें काउंट नहीं करना। हमें क्या करना है, एंड में जब वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस की स्टेज में पहुंच जाती है, उस सिचुएशन में जब वो कंज्यूम करने के लिए रेडी है, ठीक है, तब हमें उसमें देखना है। तो उस समय हम उसकी वैल्यू देखेंगे, तो उसमें जितनी भी स्टेज से होकर के वो वैल्यू आई है सारी स्टेज उसमें ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, हमें हमारा जो जीडीपी है वो करेक्ट जाएगा। हम उस प्रिकॉशंस को बना करके उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करके हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को देखते हैं, उसमें जितनी भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है ऑलरेडी इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। तो हमें ये करना होता है। तो इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। टेक फॉर इंस्टेंस ए फार्मर हु सेल्स वीट टू ए फ्लोर मिल फॉर ₹8 पर केजी, ठीक है। द मिल ग्राइंड द वीट एंड सेल्स द फ्लोर टू ए बिस्किट कंपनी फॉर ₹10 पर केजी। द बिस्किट कंपनी यूज द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। इट सेल्स बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर ऑफ ₹16, ठीक है, ₹15 पर पैकेट। बिस्किट्स आर द फाइनल गुड। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम यहाँ 8 को भी ऐड करें, 10 को भी ऐड करें, 60 को भी ऐड करें, ऐसा नहीं करेंगे हम। 60 जो लास्ट में फाइनल गुड्स है जो वो कंज्यूम करने के लिए रेडी है, क्योंकि 60 रुपीज में ये सारी इंटरमीडिएट यानी 8 और 10 जो रुपीज है ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो
बिस्किट्स इज द फाइनल गुड्स दैट गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर. ठीक है, व्हाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड. तो आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाई फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड है, तो वो इसलिए कि ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इसमें इंक्लूडेड होती है, इसलिए हमें केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही काउंट करना होगा. ठीक है, नहीं तो क्या होगा, 100 रुपीज की वैल्यू 230 रुपीज में चेंज हो जाएगी. जैसे कि मैंने आपको मेरे एग्जांपल से बताया, वैल्यू तो 100 रुपीज की थी और वो यदि हम उसको हर स्टेज पे काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा. ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स. Clear? Hence, the value of rupees 60 for the biscuit, that is final good, already include the value of flour rupees 10. Similarly, the value of all other intermediate goods would have been included. ठीक है? To count the value of the flour and wheat separately is therefore not correct. यदि आप कहें कि हमें separately सबके value को हम count करना चाहिए, जैसे मैं आप कहें कि 50 रुपीज मैंने आपसे आपने मुझसे दिया है वे और आपने 80 में उसको दिया है बिस्किट कंपनी को, तो मैं 50 आपका जोड़ देते हैं और 30 हमारा, फिर 20 ऐसा कर देते हैं. लेकिन इस ये क्या है, काफी ज्यादा ये चीजें इस तरह से काउंट करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक तो बहुत स्प्रेड होती है और इतनी गुड्स एंड सर्विसेज है, इस तरह से काउंट करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है. तो सबसे आसान तरीका है कि जब गुड कंज्यूम करने के लिए रेडी है, इट मींस जब फाइनल गुड्स या सर्विसेज की स्टेज पे पहुंच जाती है, उस समय उसकी वैल्यू को देखा जाता है. तो उस समय उसकी जो भी स्टेज से वो होके आई है, उस सारी स्टेज की वैल्यू उसमें आई हुई है. ठीक है, because then we would be counting the value of the same thing a number of times. ठीक है, इस तरह से हम नहीं कर सकते कि 100 रुपीज की चीज को हम 230 का बना दें. First as wheat, then as flour, and final as biscuit. The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. तो जो वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हर सेक्टर में प्रोड्यूस हो जाती है किसी पार्टिकुलर ईयर में, तो वो जो प्रोडक्शन होता है वही क्या होता है, उस सेक्टर का प्रोडक्शन है उस ईयर का. जैसे प्राइमरी सेक्टर के जितनी भी फाइनल गुड्स को देख लिया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर के जितनी भी फाइनल गुड्स को देख लिया जाता है, इसी तरह से टर्सरी सेक्टर के जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उनको देखकर कि उनकी जो वैल्यू है ऐड कर ली जाती है. तो हर सेक्टर की हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा. इस तरह से इन तीनों सेक्टर की टोटल प्रोडक्शन को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री. एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ अ कंट्री. It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. So GDP क्या है, एक country के अंदर one year के अंदर हर sector में जितने भी final goods and services produce हुई है उनकी values का addition है. ठीक है, GDP shows how big the economy is. GDP से ही पता चलता है कि economy कैसे. अब जैसे कि मान लीजिए हमारे कंट्री में कोई MNCs है, ठीक है, अब MNC यदि लगी है तो वो अपना कैपिटल लगाती है, वो अपना प्रॉफिट डेफिनेटली वो दूसरे कंट्री में ले जाएगी. बट यहाँ पे वो MNC लग रही है तो उन्होंने यहाँ पे ही एम्प्लॉयमेंट दिया है, यहाँ पे वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ पे वो कंज्यूम हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी उसका क्या देखा जाएगा, उसकी वैल्यू को देखा जाएगा. इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक डोमेस्टिक का मतलब यहाँ पे क्या आ गया कि एक कंट्री के भीतर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है. क्लियर, ठीक है.
In India, the mammoth task of the maximizing GDP is undertaken by central government ministry. हमारे यहाँ इंडिया में जीडीपी का जो टास्क है यानी कि मेजर कैसे किया जाता है कि किसको दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को दे रखा है. दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टोटल वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइसेस एंड देन एस्टिमेट द जीडीपी. ये जो मिनिस्ट्री है वो क्या करती है, with the help of various government department, बहुत से government department की help के साथ और साथ में Indian जो भी Indian states and union territories हैं वहां से ये क्या करती है, collect करती है information को कि कितना goods and services का जो है production हुआ है, उनकी क्या price है and then वो estimate करती है कि उसका हमारी country की GDP कितनी है. ठीक है, अब नेक्स्ट आपका देखिए आता है हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर. हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर का मतलब है कि जो सेक्टर्स है, तीनों सेक्टर्स, उसमें क्या चेंजेस आए, मींस टाइम के साथ साथ किस सेक्टर का जो है प्रोडक्शन पहले की तुलना में कम हुआ है, किसका बढ़ा है. जनरली इट हैज बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी Now developed country that at initial stage of development primary sector was the most important sector of the economic activity. अधिकतर जो developed countries हैं उसमें क्या देखा गया है कि initial stage की जो development है उसमें primary sector बहुत important रहा है. ठीक है, over a long time more than 100 years and especially because new method of the manufacturing were introduced. Factories came up and started expanding. Those people who had the earlier worked on farms now began to work in the factories in large numbers. Time periods के साथ साथ 100 years का time period ले लो तो क्या है, नई नई जो manufacturing units आ गए हैं, factories आ गई है, technologies आ गई है, उसकी वजह से क्या है, अब क्या हो गया है, जो farmers थे उन्होंने अपना फार्मिंग का काम छोड़ के, वो लोग अपने विलेजेस को छोड़ के अब कहाँ आ गए, सिटीज में आ गए हैं और उन्होंने फैक्ट्रीज में लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आ गए हैं और फैक्ट्रीज में काम करना स्टार्ट कर दिया. दे वर फोर्स टू डू सो एज यू रीड इन हिस्ट्री चैप्टर्स. हिस्ट्री के चैप्टर्स में आपने देखा ही है कि गाँव से लोगों का कहाँ सर्कुलेशन हो रहा है, सिटीज की ओर हो रहा है. People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. Secondary sector gradually became the most important in total production and employment. So, धीरे धीरे क्या हुआ, primary sector का कम हुआ role और इस तरह से जब factories established होने लगी तो secondary sector जो है उसका production बढ़ने लग गया और employment देने में भी उसका role पहले से काफी बढ़ गया. And so the time shift had taken place. This means that the importance of the sector had changed. इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जो sectors की importance है वो primary से किस पे change हो गई, secondary sector की ओर change हो गई. In the past 100 years there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. 100 years के बाद और क्या चेंजेस आपको डेवलप्ड कंट्रीज में दिखा कि अब वो सेकेंडरी सेक्टर से किधर की ओर शिफ्ट हो गए, टर्शियरी सेक्टर. द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द टोटल प्रोडक्शन. अब सर्विस सेक्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है टोटल प्रोडक्शन में. मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सर्विस सेक्टर. दिस इज द जनरल pattern observed in the developed countries. ये developed countries में ये pattern observed किया गया है. ठीक है, अब हमारे India में क्या situation आई है उसके बारे में मैं आपको next part में बताऊंगी. तो अभी तक हमने जितना भी किया है मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे से clear हुआ है. थोड़ा सा recall कर लेते हैं हमारे notes से, थोड़ा सा revise हो जाता है. ठीक है, let's see बच्चों. The sectors of the Indian economy में comparing the three sectors and GDP, primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. Primary, secondary, tertiary में आपको खुद को पता है, कई बार बता दिया कि जो है production हो रहा है
और काफी ज्यादा नंबर्स में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही, ह्यूज एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर, सो हाउ मैनी पीपल वर्क इन इस सेक्टर कैसे पता करें कि ह्यूज एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग किस सेक्टर्स में हैं उसके लिए कैसे पता किया जाए, हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड कैलकुलेटेड, कैसे पता चलेगा कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए. प्रॉब्लम्स इन काउंटिंग एंड कंपेयरिंग नेल्स टू कार, नेल से लेके कार में ये कंपेयरिंग करना, काउंटिंग यदि हम करें नंबर्स के थ्रू तो ये बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल बताया था कि 1000 केजी नेल्स प्रोड्यूस हुई है और 500 कार्स, तो प्रोडक्शन तो आपको नेल्स का ज्यादा नजर आया है, बट वैल्यू किसकी है, डेफिनेटली कार्स की. द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स. तो हमें क्या करना होगा इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कि वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हमें ऐड करना पड़ेगा बजाय एक्चुअल नंबर्स के, यानी नेल्स की प्रोडक्शन ऑफ नंबर्स को नहीं देखना है, वैल्यू ऑफ नेल्स एंड वैल्यू ऑफ द कार्स देखना. क्लियर? प्रिकॉशंस क्या रखना है, नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन सॉल्ट नीड टू बी काउंटेड. It makes sense only to include the final goods and services. यहाँ set कर लो किसको भी करना है count. Final goods and services. Intermediate goods and services को count नहीं करना है. Only वो goods and services count होगी जो आप consumer के लिए consume होने के लिए ready है. Right? Intermediate goods are not included because the value of final goods already include the value of all the intermediate goods that are used in making the final goods, right? अब आता है GDP, क्योंकि GDP इसी से count होता है कि sectors की इतनी values है, जो भी goods and services हर sector में produce हुई है उनकी कितनी value है. GDP is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. A central government ministry in India, with the help of various government departments, collect information relating to total volumes of the goods and services and their prices, and then estimate the GDP. तो किसके लिए वन लाइन का क्वेश्चन आ जाता है कि हमने ये किसकी ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इन इंडिया को जो जीडीपी को काउंट करता है. ठीक है, वी काउंट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, दिस प्रोवाइड्स अ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर. इसी से पता चलेगा कि उस सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन उस ईयर में कितना है. फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार ने क्या किया, अपने फार्म हाउस में जो है उनके फार्म हाउस में बहुत ज्यादा आंवला हुआ. ठीक है, और उन्होंने उस आंवला को बाबा रामदेव को 1000 रुपीज में बेच. अब बाबा रामदेव ने भी सोचा इस आंवले से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश बनाया जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी तो बहुत जरूरी है, सबको इम्यूनिटी को बढ़ाना है. तो उन्होंने क्या किया कि उस आंवले से च्यवनप्राश बनाया, उसमें और भी जो भी कंटेंट चाहिए वो सब मिला के 1500 रुपीज में जो है वो आंवला उन्होंने मिस्टर छगन लाल जी को दे दिया. अब मिस्टर छगन लाल जी जो है वो होलसेलर है, उन्होंने इसको पूरा उसकी होलसेलिंग करी, रिटेलर तक पहुंचाया, 2000 रुपीज में च्यवनप्राश रेडी. ठीक है, अब वो कंज्यूम होने के लिए तैयार है. तो ये 2000 रुपीज ही आपका फाइनल गुड्स होगा
जिसकी वैल्यू जीडीपी में काउंट हो। यदि हम ऐसे काउंट करें कि 1000 अक्षय कुमार का, 1500 बाबा रामदेव का, 2000 छगन लाल जी का, तो कितना हो जाता है, 4500 हो जाता है। तो इट मीन्स 2000 रुपीज की चीज का कितना वैल्यू बन गया, 4500। इसका मतलब जीडीपी हमारी गलत हो जाएगी। हमने डबल काउंटिंग कर ली, इंटरमीडिएट गुड्स को भी हमने काउंट कर लिया, क्योंकि इस 2000 में आप देखिए इस आंवला और च्यवनप्राश बनाने के लिए और भी जो कंटेंट है, जो भी लेबर लगा है, सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उसको हमें इसलिए फाइनल गुड्स में ही काउंट करना है। इसका मतलब क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी फाइनल गुड्स में उनकी वैल्यू एडेड होती है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड इज ओनली यूज्ड टू कैलकुलेट जीडीपी, लाइक 2000 रुपीज गुड इज यूज्ड फॉर कंज्यूम बाय कंज्यूमर। इफ वी एडेड द वैल्यू इन एवरेज केस, द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग में अक्कर। क्लियर? तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से मिलेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं।